नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। कोतमा के गांधी चौक में युवाओं एवं नगर के व्यापारियों द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की दुखद मौत हो गई। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 14 लोग सैन्य अधिकारी सवार थे। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहीद बिपिन रावत का शहरों से गहरा नाता रहा। कोतमा के पूर्व विधायक दादा मृगेंद्र सिंह के दामाद रहे। राधा मोहन सिंह की पुत्री मधुलिका रावत डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। इसके साथ ही वो सेना के जवानों की पत्नियों, बच्चों और डिपेंडेंट के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर रियासत की बेटी थी। उनके पिता का नाम कुंवर मृगेंद्र सिंह था। घटना की जानकारी मिलते ही उनका परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस बिपिन रावत जी नहीं रहे, मैं स्तब्ध रह गया और मैं क्या, पूरा देश स्तब्ध रह गया। किसी ने ये कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। ये हमारे देश के लिए बड़ी भारी विपत्ति मैं मान रहा हूँ। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, तो संवेदना है। एक तो देश के रूप में कि हमने एक वीर शहीद को खोया, और दूसरा आप सभी को मालूम होगा कि वो हमारे रिश्ते में कुंवर दादा के बहनों ही थे, दामाद थे।